एकम एवित्रम भगवान सिर्फ एक है ना चाश कश्चित जनिता न जित्वा ना तस्या प्रतिमा अस्ति तस्या रूपम न दृश्यते न कश्चित चक्षुषा प्रतीयते अंधात्मा परवशंती या संबुद्धि या पास्ते मन अहसनु कौलम मिम्मन وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم आओ उस बात की तरफ जो हम में और आप में यकसा है एक जैसी है वो कौन सी है अल्लाह नख्बुद इल्लल्लाह कि हम इबादत नहीं करेंगे सिवाय अल्लाह पाक के सिवाय एक खुदा के। अभी हमारा जो तबसरा है वो है हिंदू मज़हब और मज़हब इस्लाम में यकसानियत का बयान। तो पहले हम अगर देखें हिंदू मज़हब का नाम कैसे आया, हिंदू मज़हब में हिंदू नाम कैसे आया। सबसे पहले हिंदू लफ्ज़ जो हिजरत करने वाले अरब पर्शियन ने इस्तेमाल किया, जो इंडस दरिया और सिंधु दरिया के करीब करीब लोग रहते थे, तो उन्होंने कहा कि ये हिंदू है। हिंदू लफ्ज़ मिसनोमा है, असल वर्ड जो है वो है सनातन धर्म, और सनातन धर्म के मानने वाले को कहते हैं वेदंतिस्ट, और वेदंतिस्ट उसे कहते हैं जो वेदास को, उनके स्क्रिप्चर्स को, उनके मुकद्दस किताबों को फॉलो करे। अभी हम देखेंगे कि हिंदू मज़हब में कौन सी किताबें हैं। हिंदू मज़हब में किताबों की दो कैटेगरीज है, वो है श्रुति और सुमृति। श्रुति जो है वो खुदा भगवान की किताब मानी जाती है, और सुमृति जो है वो इंसानों की लिखी हुई किताब मानी जाती है। अगर कोई चीज़ श्रुति वेदास वेद अथर्ववेद और यजुर्वेद। अभी हम देखेंगे कि हिंदू मज़हब में खुदा का तस्वर क्या है। हिंदू मज़हब में खुदा का तस्वर अगर हम किसी आदमी से पूछेंगे, एक आम हिंदू से पूछेंगे कि उसको कितने खुदाओं पर यकीन है और खुदा कितने हैं, तो कोई कहेगा एक, कोई कहेगा 10, कोई कहेगा 100, कोई कहेगा 22, कोई कहेगा 22 करोड़। अगर हम किसी हिंदू पंडित या कोई अहले इल्म जो वेदास का और कोई अपने बुक्स का इल्म रखता है, तो वो कहेगा सिर्फ एक ही खुदा, एक ही भगवान पर यकीन रखना चाहिए और खुदा सिर्फ एक। अभी हम देखेंगे हिंदू मज़हब में खुदा का तस्वर, हिंदू मज़हब के किताबों में खुदा का तस्वर लिखा हुआ है चंदोग्य उपनिषद आदिया 6:2 और श्लोका पहले में एकम एवित्रम भगवान सिर्फ एक है, और लिखा हुआ है श्वेता श्वेता उपनिषद आदिया 6:9 में ना चास कश्चित जनिता न जित्वा, उस भगवान का कोई भी वालदेन नहीं है, ना माता है ना पिता है। और लिखा हुआ है श्वेता श्वेता उपनिषद आदिया 4:9 में ना तस्या प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी पेंटिंग नहीं है, कोई भी इमेज नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेता उपनिषद आदिया 4:20 तस्या रूपम न दृश्यते न कश्चित चक्षुषा प्रतीयते, उस भगवान का कोई भी रूप कोई भी नहीं देख सकता, ना आगे से देख सकता है ना पीछे से। लिखा हुआ है भगवद गीता आदिया 7:20 में जो इंसान नफसानी ख्वाहिशात के पीछे भागता है तो वो झूठे खुदाओं की इबादत करता है। कुछ तर्जुमों में लिखा हुआ है कि वो मूर्ति पूजा करता है, और लिखा हुआ है भगवद गीता आदिया 2:3 में मैं खुदा पैदा नहीं हुआ, मेरी कोई भी स्टार्टिंग नहीं है, मैं तमाम आलमों का रब हूँ। लिखा हुआ है वेद में आदिया 12:3 में भी लिखा हुआ है ना तस्या प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी पेंटिंग नहीं है, कोई भी इमेज नहीं है। लिखा हुआ है यजुर्वेद में आदिया 40:8 में उस भगवान का कोई भी अक्ष नहीं है, और लिखा हुआ है यजुर्वेद आदिया 40:9 में अंधात्मा परवशंति या संबुद्धि या पास्ते। अंधात्मा मतलब कि अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो असंबुद्धि की पूजा करते हैं। असंबुद्धि क्या है? नेचुरल थिंग्स, हवा पानी पत्थर, ये सारी चीज़ें असंबुद्धि नेचुरल थिंग्स में आ जाती है। और लिखा हुआ है ऋग्वेद में किताब नंबर 1 और हेम नंबर 164 और मंत्रा नंबर 46 में लिखा हुआ है एकम सत्य विप प्रभु विदांते, वो खुदा उसके एक है, वो उसको संत जो है वो काफ़ी नामों से पुकारते हैं। और अगर आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब 2 हेम नंबर 1 और मंत्रा नंबर 3 में, और हम अगर आप पहला पढ़ेंगे तो उसमें उस भगवान के
33 नाम जिक्र किए गए हैं। अगर आप ऋग्वेद किताब 2 हेम पहला और मंत्रा नंबर 3 पढ़ेंगे तो उसमें ब्रह्मा खालिक, अगर हमें कोई एतराज नहीं है कि कोई अगर खुदा को ब्रह्मा कह रहा है, खालिक कह रहा है, अगर वो कहेगा कि भगवान के चार सिर है, चार पांव हैं, या फिर उसके वो गरोड़ा में उड़ रहा है, तो हम उसे कहेंगे कि भाई आप अपने श्रुता श्रुता उपशनर्स आदिया 4 श्लोका 19 और यजुर्वेद और अथर्ववेद और श्रुता श्रुता उपशनर्स के खिलाफ जा रहे हैं, जो लिखा हुआ है कि ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई भी इमेज नहीं है, कोई भी फॉर्म नहीं है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि खालिक को अगर आप कोई इमेज दे रहे हैं तो हम मुसलमान आपको बताएंगे, तो आप अपने वेद के खिलाफ जा रहे हैं। और लिखा हुआ है ऋग्वेद में जो हिंदू मजहब का ब्रह्मा सूत्र है, जो हमारे यहाँ कलमा कहा जाता है, उनका ब्रह्मा है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान सिर्फ एक ही है, दूसरा जरा भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। अभी आपने देखा हिंदू मजहब की किताबों में खुदा का तस्वीर क्या था।